सोलन बबलीग में दो साथों ने यात्रा के नाम पर युवक को ठगने का प्रयास किया। युवक को अपनी बातों में उलझाकर करीबन 1700 रुपए ठग लिए। उसके बाद भी वह युवक से 3100 रुपए की मांग करते रहे, जिस पर युवक उन्हें मना करता रहा। कुछ देर में इस बात की खबर ग्राम वासियों को लगी। उन्होंने बाबाओं की जमकर क्लास ली और तब जाकर बाबाओं ने युवक को उसके 1700 रुपए वापस किए। आएगा तुम लोग अंदर के बातें कुछ अरे यात्रा तो मैं साल के बाद यात्रा सब जाते हैं प्रधान है ना जो बुनियादी छोड़ दो छोड़ दो अगली बार जब तुम्हारे कस कट है यार हमने क्या करे क्या हुआ मैं कमरे में बैठा था मैं अच्छा बाहर आगे पे ठीक है जय बोलने फिर मैंने 2100 रुपए निकाले मैंने दे दी दक्षिणा मेरे को बोले पानी पिलाओ तो 2100 क्यों दिए थे 2100 नहीं 21 रुपए हां जी फिर बोले पानी पिलाओ मैं अंदर पानी पीने आ गए बोले बैठते हैं अंदर मैंने बोला नहीं है फिर अंदर बैठ के फिर मैं खड़ गए इधर मैंने फिर बटू रखा उधर फिर मैंने वो साइड सूट कर दिया साफ कर दिया फिर बोले अच्छा ठीक है बैठ गए बोले ठीक है तो जाने लग पड़े ठीक है आप ऐसे ऐसे करते हैं ऐसा होता है तो बोले ये पर्ची लिख इसमें लिख दे आप घी के लिए कितना दान दे रहे हैं मैं बोला फिर नहीं लिखा मैं फिर उन्होंने दिख दिया बोले लिख दे जो भी अपने ज्वाला जी माता ऐसा ऐसा करके मैंने लिख दिया 1 किलो का फिर मेरे को बोले दान दे दो ठीक है फिर मेरे पास थे नहीं मैं थोड़ी दे रहा था फिर अपने मैंने जो मेरे पास 600 था मैंने दे दिया इनको ठीक है उसके बाद फिर से बोले जो ये हैं बाकी इनको भी यहाँ रख दे कॉपी में रख दे ठीक है फिर वो भी रखवा लिए फिर बाद में इन्होंने मेरे को मुंगा दिया और बोले मैं आपको जो वो एक आशीर्वाद देता हूँ ठीक है स्पेशल चीज़ देता हूँ ठीक है उन्होंने अपना कुछ निकाला मेरे को बोले पेज निकाला उसमें रख दे फिर उन्होंने बाद में जो वो ऐसा करा कि एक पेज भी लिखा बोले इतने नंबर लिखा है मैंने इसमें से कोई भी नंबर सोच ले तो मैं 9 से लेकर 13 के बीच में मैंने 11 सोच लिया इनकी पर्ची के पास पर्ची होगी उसमें 11 लिखा था ठीक है फिर उसके बाद इन्होंने बोला 3100 रुपया ठीक है हमें चाहिए मतलब जो दान के लिए देते मैंने बोले मेरे पास है नहीं बोले तुम्हारे गूगल पे होंगे पहले कितने दिए थे टोटल आपने पहले मेरे से इन्होंने 1200 रुपया लिया 1200 ले लिया था अच्छा पर्ची पे लिखा बोले 3100 रुपया चाहिए मैंने बोले मेरे पास है नहीं प्रभु और 3100 मांग रहे थे और मैंने बोला मेरे पास नहीं मैंने खुद कर्जा लिया इस महीने 25000 अच्छा तो उसके बाद जो मैं नहीं मान नहीं कर रहा फिर इन्होंने टोटल जो मेरे से 1700 ले लिया हुआ था क्यों लिए थे वो क्यों लिए थे प्रसाद मांगा है क्यों लिए थे यात्रा के लिए हम ले रहे थे चलो कृपा गुरु महाराज की छोड़ो गुरु महाराज की अच्छा मैं तो नेड़े भी ना देखना लफेड़ते हुए देर ही लगाऊंगा मैं कपड़े पहन मैंने अपनी दान से अपनी इच्छा से जो इनको 1100 अभी आपने अपने पैसे ले लिए मैं 1700 रुपए दे दिया था आपने जो मेरे को दिया था जो आपने 1700 दिया था वो ले लिया वापस ले लिया फिर बाद में उधर साइड में तो बोलने से बोले इनको नहीं देना चाहिए मंडी में बोले 1.5 लाख रुपए ले गए थे अरे एकदम मेरे अंदर आ गए और फिर ये थोड़ा एडवर्टाइज भी करते थे बंदे को ठीक है इधर से अच्छा इधर नीचे ये काम करते थे भाई इनसे जब शुरू कर दूंगा तो काम शुरू कर दिए लोग डॉक्टर साहब आपको पता मैं आता रहता हूँ ये काम करते तुम नहीं हमने किया हमने आपने खुश होके दिया था तब ऐसे क्यों करता तू खुश होकर दिया अगर किसी से कोई शरी श्रद्धा दे रहा आपको हिंदू धर्म में बोलता है हाँ वो जो तुम्हारे को बनता है कोई 10 दे रहा है तो उसमें संतुष्टि कर आगे लालसा मत बढ़ा ये बात बोल रहे हैं लोग निकाल निकाल तू निकाल
देखो ना वो परेशान कितना हुआ तेरी वैसे क्या पता तुमने क्या कहा फोटो ले लो हमने क्या परेशान करना देखो कितना परेशान क्या करना दीदी खर्चा इसका परेशान क्या होना पैसे की बात ना यूट्यूबर बन जानी है वीडियो डाला हमने कुछ नहीं डाला अभी तक करते धर्म के मात में नहीं दोस्तों ये देखो यहाँ पर बाबा के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं देख सकते हैं आप हम आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं ये इस टाइम ममलीग बाजार में है और जगह कहीं पे भी जा सकते हैं तो इनकी शक्ल देख लीजिए और किसी के भी घर गांव में आए तो इन्हें पहले से भगा दें इनको कुछ नहीं कुछ भी मत देना ये लोगों को ठगते हैं इनके बहकावे में मत आए मेरे को ना तो इनको माफी मांगते हो जिससे तू पर यार मेरे को बोल दे क्या बना क्या बनाना छोड़ दो क्या बनाना इसको राजा इसको बनानी है चलो बनाओ राजा इसको के बना दो ब्यूरो रिपोर्ट सोलन मैं हूं एचआईवी वायरस नाम तो सुना ही होगा मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं और देखो जरा जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं और यही नहीं हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है तभी तो पहली तिमाही में अपनी एचआईवी जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है कोई बात नहीं इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं तो मैं हूं एचआईवी वायरस मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी